सो सभी को हैप्पी न्यू ईयर। इस साल आप खेलो कूदो खुशहाल और मम्मी पापा को प्राउड फील कराओ और मेरी वीडियोस देखो। सो गाइस, अगर आप भी ऐसे सर्वाइवल एडवेंचर गेम्स को ढूंढ रहे हो जिसमें आपको सबसे हाई ग्राफिक्स, ओपन वर्ल्ड मैप, रियलिस्टिक कॉन्सेप्ट और अनोखे फीचर देखने को मिले, साथ ही आप उन्हें अपने मोबाइल में आराम से खेल सको, तो क्या ऐसे गेम्स आपको प्ले स्टोर पर सर्च करने से मिल जाते हैं? नहीं। इसलिए अगर आप भी बेस्ट सर्वाइवल गेम ढूंढ रहे हो तो इस वीडियो के एंड तक पहुंचते ही आपको आपका मनपसंद सर्वाइवल गेम 100% मिल जाएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको एक दो या फिर पांच नहीं बल्कि अलग अलग जगह से ढूंढे हुए बहुत ही जबरदस्त पूरे टॉप 10 सर्वाइवल एडवेंचर गेम्स बताऊंगा। इसलिए आप इस वीडियो को लाइक कर दो और न्यू ईयर पर जितने ज्यादा हो सके उतने कमेंट कर दो। सो तब तक हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो 10th गेम है फेडिंग सिटी, और अगर इस गेम की एक चीज सही होती तो ये गेम फर्स्ट या सेकंड नंबर पर होता, वो चीज आगे बताऊंगा। लेकिन उससे पहले अगर आपके मन को थोड़ा ललचाऊं, मतलब अच्छी फीचर्स बताऊं, तो इस गेम में सबसे पहले आपको रेजिडेंट एविल गेम के जैसा ओपन वर्ल्ड मैप मिलता है जहां पर लाखों ज़ॉम्बीज घूम रहे हैं। गेम में आप अपना कस्टमाइज कैरेक्टर बना सकते हो, वेपन्स कलेक्ट कर सकते हो, ज़ॉम्बीज को मार सकते हो। गेम में आपको सभी जबरदस्त वेपन्स और गन्स मिल जाते हैं। रेजिडेंट एविल गेम की तरह खतरनाक वाली ज़ॉम्बी फाइट्स भी करनी होती है। गेम के ग्राफिक्स और कंट्रोल्स को तो आप गेम प्ले में देख सकते हो कितने जबरदस्त है, लेकिन एक चीज खराब है कि ये गेम अभी तक रिलीज ही नहीं हुआ है, बट शायद ये गेम 2024 में रिलीज हो जाएगा। बट आपको तब तक वेट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इससे भी ज्यादा गेम्स आपका आगे वेट कर रहे हैं। और एक गेम तो बिल्कुल फेडिंग सिटी जैसा है। सो गाइस, 9th गेम है माइक्रो हंटर, जो कि पीसी के ग्राउंडेड गेम के जैसा एक ओपन वर्ल्ड सर्वाइवल गेम है जिसमें किसी एक्सपेरिमेंट के फेल होने की वजह से अचानक आप और कुछ और इंसान एक चींटी जितने छोटे हो गए हो, और अब आपको बिल्कुल चींटी की तरह सभी खतरों से लड़ना है, अपने लिए हथियार क्राफ्ट करने हैं, आपको लकड़ी, पत्तों, फूल और पत्थर जैसी चीजों से अपना घर बनाना होगा, कपड़े बनाने होंगे, और सबसे फनी चीज, आप चींटी और कुछ इंसेक्ट से दोस्ती भी कर सकते हो। साथ ही आपको बड़े इंसेक्ट से भी बचना होगा ताकि वो आपको खा ना जाए। गेम में आपको जबरदस्त लेवल के ग्राफिक्स, अच्छी स्टोरी लाइन, जबरदस्त कटसीन्स और स्मूथ कंट्रोल्स मिल जाते हैं, और गेम को आप मल्टीप्लेयर में भी खेल सकते हो। गेम का साइज है 910 MB और गेम ऑनलाइन है। सो 8th गेम का नाम है सर्वाइवल एंड राइज, और ये गेम मुझे पबजी मोबाइल के ऐसा लगता है। मेरा मतलब इस गेम में आपको पबजी के ऐसा ओपन मैप, घर और लोकेशन देखने को मिलती है, साथ ही पबजी की सभी वेपन्स और गन्स भी मिल जाती हैं, और ये गेम ऑनलाइन है इसलिए आप रियल बंदों को भी किल कर सकते हो। तो क्या ये बिल्कुल पबजी का ऐसा गेम है? नहीं, क्योंकि इस गेम में आपको सभी वेपन्स खुद क्राफ्ट करने होते हैं, अपना घर बनाना होता है, खाना पीना दवाई सब चीज कलेक्ट करनी होती है। गेम में आपको एनिमल्स के साथ साथ डायनासोर भी देखने को मिलते हैं जिन्हें आप मार सकते हो या अपना पेट भी बना सकते हो। सो अगर पबजी मोबाइल का एक्सपीरियंस सर्वाइवल गेम में चाहिए तो इस गेम का साइज है 1 GB और गेम ऑफलाइन है, और गेम को तो मैंने आप सबकी कमेंट की वजह से ऐड किया है। गाइस, अगर अभी तक आपने किसी भी गेम को स्किप करके देखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप अब किसी गेम को स्किप करके देखते हो तो शायद आप ऐसी गेम या गेम की फीचर को मिस कर दोगे जिसके लिए आपने वीडियो पर क्लिक किया था। इसलिए थोड़ी देर के लिए अपनी उंगलियों से कह दो कि टूप टॉप लेने था। सो 7th गेम है लास्ट आइलैंड ऑफ सर्वाइवल, और ये गेम वन ऑफ द बेस्ट सर्वाइवल गेम्स में से एक है। सबसे पहले तो इस गेम की ग्राफिक्स ही जबरदस्त है, और इस गेम के फीचर्स को बताने के लिए तो पूरी वीडियो लगेगी। आप बस इतना समझ लो कि इस गेम में आप सभी चीजें कर सकते हो जो एक कंप्लीट सर्वाइवल गेम में होती है। गेम में आपको बिल्कुल रियलिस्टिक कॉन्सेप्ट मिलता है, मतलब आपको पानी पीना होगा, सोना होगा, खाना होगा, नहाना होगा। नहीं नहीं गाइस, नहाना नहीं है, इतनी ठंड में कैसे नहाओगे? बात तो सही है बट वेपन्स क्राफ्ट करने होंगे, साथ ही रहने के लिए अपना घर भी बनाना होगा। इस गेम में आपको और भी रियल प्लेयर्स देखने को मिल जाएंगे जो आपकी तरह सर्वाइव कर रहे हैं, और आप अपने फ्रेंड्स को भी ऐड कर सकते हो। सो इस गेम का साइज है 2.5 GB और गेम ऑनलाइन है, और बेस्ट चीज ये गेम आपको प्ले स्टोर पर भी मिल जाएगा। सो गाइस, 6th गेम है लॉस्ट फ्यूचर। सो जैसे कि मैंने 10th गेम फेडिंग सिटी बताया था, सो ये गेम भी उसी के जैसा है जिसमें आपको फुली ओपन वर्ल्ड मैप, खतरनाक ज़ॉम्बी से भरी हुई सिटी और जबरदस्त स्टोरीलाइन मिल जाती है। और सबसे इंटरेस्टिंग फीचर, गेम में आप एक साथ 3 प्लेयर्स को इक्विप कर सकते हो और कभी भी शिफ्ट कर सकते हो, और सभी प्लेयर्स के पास स्पेशल पावर्स भी होती हैं जो आपको ज़ॉम्बी से फाइट करने में और सर्वाइव करने में हेल्प करती हैं। गेम में आप वेपन्स क्राफ्ट करने के साथ साथ लूट भी कर सकते हो, और गाइस गेम के ग्राफिक्स गेम प्ले में थोड़े कम लग रहे हैं बट ओरिजिनल ग्राफिक्स बहुत ही जबरदस्त है। सो इस गेम का साइज है 1.5 GB और गेम को आप ऑफलाइन भी खेल सकते हो, बस लॉगिन करने के बाद नेट ऑफ कर देना। सो गाइस, 5th गेम का नाम है डाउनलैंड्स। जी हाँ गाइस, आपने सही सुना, ये गेम फाइनली रिलीज हो गया है। सो अगर आप कभी किसी गेम के ग्राफिक्स से बोर हो जाओ तो इस गेम को डाउनलोड कर लेना, क्योंकि इस गेम में आपको एनिमे ग्राफिक्स और एनिमे कैरेक्टर देखने को मिलता है जिससे गेम को प्ले करने में काफी ज्यादा मजा आता है। ओपन वर्ल्ड मैप मिल जाता है जिसमें आप सर्फिंग कर सकते हो और हॉर्स राइडिंग कर सकते हो। गेम में आपको वेपन से लेकर घर तक सभी चीजें क्राफ्ट करनी होगी, अलग अलग क्रिएचर से फाइट करनी होगी और खाना भी इकट्ठा करना होगा। गेम की स्टोरी लाइन भी जबरदस्त है, साथ ही आप गेम को अपने दोस्तों के साथ भी खेल सकते हो। सो इस गेम का साइज है 764 MB और गेम ऑनलाइन है। सो 4th गेम है फॉलन सन, और ये गेम मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। और ये गेम रेजिडेंट एविल गेम का ऐसा एक ओपन वर्ल्ड ज़ॉम्बी सर्वाइवल गेम है जिसमें आपको पीसी वाले के ग्राफिक्स मिलते हैं। रेजिडेंट एविल 3 के ऐसा गेम कैरेक्टर मिलता है जिसके पास स्पेशल पावर्स होती हैं, जैसे कि तेज भागना, तलवार चलाना, हाई जंप और भी काफी सारी। सो गेम में आपको अलग तरह के वेपन्स मिल जाते हैं जिन्हें आप लूट बॉक्स से भी ले सकते हो। बहुत ही जबरदस्त मिशंस करने को मिल जाते हैं, आपको काफी फुर्तीले नॉर्मल ज़ॉम्बी से लेकर बॉस ज़ॉम्बी से भी फाइट करनी होगी, साथ ही और खतरों से भी बचना होगा जो आपको गेम में देखने को मिलेंगे। सो इस गेम का साइज है 726 MB और गेम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।
तो आप बात करते हैं वन ऑफ दी बिगेस्ट मूवी पर बने सर्वाइवल गेम की, जिसका नाम है अवतार रेकॉनिंग। इस गेम में आपको बहुत बड़े रिसर्च सेंटर के साथ साथ ओपन वर्ल्ड जंगल देखने को मिलता है। बिल्कुल अवतार मूवी की तरह इंसान, रोबोट्स और ब्लू क्रिएचर नेवी भी मिल जाते हैं, और मूवी पर ही बेस जबरदस्त स्टोरी लाइन देखने को मिलती है। गेम में आपको फाइटिंग, एक्शन और गन्स तो भरपूर देखने को मिल जाएगी। थोड़ी सी स्टोरी लाइन बताऊं तो स्टार्टिंग में आप इंसानों की तरफ से लड़ते हो, बट बाद में नेवी की साइड हो जाते हो। मतलब आपको इंसानों से फाइट करने को मिलेगी, नावी को मारना होगा, साथ ही अवतार मूवी वाले अलग अलग क्रिएचर से भी लड़ना होगा। सो गाइस, गेम को खेलने में तो बहुत ही ज्यादा मजा आता है और ग्राफिक्स भी एकदम झक्कास है, बट इस गेम को खेलने के लिए आपको एक हाई एंड फोन चाहिए, क्योंकि इस गेम का साइज 2.9 GB है और गेम ऑफलाइन है। फिर अपना काम खल्लास। सो सेकंड गेम का नाम है अनडाउन, और वीडियो में अब तक जितने भी ज़ॉम्बी सर्वाइवल गेम्स बताए हैं, ये गेम उन सभी गेम से एक दो लेवल ऊपर है। मतलब गेम के ग्राफिक्स, कंट्रोल, कॉन्सेप्ट तो बाकी सभी गेम से जबरदस्त है ही, साथ ही इस गेम में आपको जबरदस्त स्टोरी लाइन, हाई एंड मिशन, ओपन वर्ल्ड मैप, पेड़ पौधे, पहाड़, लाखों खतरनाक ज़ॉम्बी से भरी ओपन वर्ल्ड सिटी भी देखने को मिल जाती है, और आप पिस्टल से लेकर रॉकेट लॉन्चर तक सभी चीजें क्राफ्ट कर सकते हो और भी जबरदस्त फीचर देखने को मिल जाते हैं। तो ये गेम उनके लिए है जो लोग कमेंट करते हैं कि हाई एंड गेम बताओ। सो इस गेम का साइज है 3.5 GB और गेम ऑनलाइन है। तो गाइस, अगर मैं कहूं कि आज की वीडियो में एक सर्वाइवल गेम ऐसा है जो RDR 2 जैसे हाई एंड पीसी गेम का एक्सपीरियंस आपके मोबाइल पर करा देगा, तो ये वही गेम है जिसका नाम है मिशन ईवो, जो कि मुझे खुद बहुत ज्यादा पसंद है। और इस गेम की ग्राफिक्स तो क्या ही बताऊं, बहुत ही नेक्स्ट लेवल है। गेम में आप लकड़ी काटने से लेकर घर बनाने तक सभी चीजें कर सकते हो, और गेम का कॉन्सेप्ट तो इतना ज्यादा रियलिस्टिक है कि आप पेड़ काटते हुए भी बोलोगे बहुत मजा आ रहा है यार। गाइस, गेम में आप जानवरों को भी मार सकते हो, साथ ही हॉर्स को अपना पेट बनाकर हॉर्स राइडिंग भी कर सकते हो। गेम में आप मिशन से टास्क भी कंप्लीट कर सकते हो, साथ ही कुछ इंटरेस्टिंग फीचर्स भी देखने को मिल जाते हैं। सो गाइस, इस गेम का साइज है 2 GB, और आपको अपने लो एंड डिवाइस में खेलना है तो ग्राफिक सेटिंग को कम कर लेना, और इस गेम को तो मैं जरूर से रिकमेंड करूंगा, और सभी गेम्स का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। सो गाइस, जैसा कि काफी सारे गेम्स ऑनलाइन थे, सो अगर आप चाहते हो कि मैं बेस्ट ऑफलाइन गेम्स पर वीडियो बनाऊं, तो बस कमेंट बॉक्स में बड़ा बड़ा यस टाइप कर देना। yes, yes, yes! साथ ही इस वीडियो पर 250 कमेंट्स पूरे होते ही मैं GT5 और Forza Horizon जैसे PC गेम्स को अपने मोबाइल पर खेलने के इजीएस्ट तरीके में वीडियो बना दूंगा। सो जल्दी से पूरे कर दो, और तब तक आप राइट वीडियो पर क्लिक करके Forza Horizon जैसे जबरदस्त टॉप 5 मोबाइल गेम्स को देख सकते हो।